हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं लेकर आ गया हूँ कमल विहार, जो कि काफ़ी लोग बोलते थे कमल विहार कवर्ड कैंपस में आप मकान वगैरह ज़मीन क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो मैं लेकर के आ गया हूँ 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि बहुत ही कम रेट में पड़ने वाला है। लोकेशन एक बार मेंशन कर दे तो नियर बाई कनेक्टिविटी आपको पड़ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो VY हॉस्पिटल आ जाता है, जस्ट एकेडमी स्कूल वगैरह आ जाता है, थ्रेसर एकेडमी आपको पड़ेगा आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, जो कि कमल विहार कमल होटल के साइड में आ जाता है, जो कि बोरे खुर्द का लोकेशन आता है। सेकेंड यहाँ पर कृष्णा पब्लिक स्कूल नियर बाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में आपको पड़ जाता है। सब्जी मंडी मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है, वो भी 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर में। आइए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका रोड आने वाला है, जो कि मैं इस हाउस को भी दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि 3 BHK हाउस है। ज़मीन साइजेस आने वाला है उसका 780 स्क्वायर फीट का ज़मीन साइजेस रहेगा। टोटल जो कंस्ट्रक्शन रहेगा 1540 से 1550 स्क्वायर फीट का टोटल कंस्ट्रक्शन रहने वाला है। 3 BHK डुप्लेक्स मकान है। और जो रोड में बात हूँ, लगभग आपको 25 फीट का रोड सामने मिलेगा। सेकंड ये आपका आता है और सामने वहाँ जो बिल्डिंग देख रहे हैं जैन पार्क वाला, वहाँ से जस्ट राइट लेंगे, यहीं से पीछे से जस्ट इसमें ये आपका आ जाता है। सीधा सीधा कमल विहार कनेक्टिविटी करेगा, जो कि मेन रोड से मेन हाईवे से वहाँ से आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ देवपुरी से लेकर के नियर बाई आपको बीच में आने वाला ये लोकेशन कमल विहार का आता है, सेक्टर 1 में आता है। और जैसे इंटर करोगे हाउस तो इस सब में कनेक्टिविटी से रोड की बात करूँ, लगभग इसका चौड़ाई आ जाएगा 25 फीट का, लगभग आपको रोड मिल जाएगा। आइए एक बार मैं इसको सीधा सीधा सामने से दिखा देता हूँ। दोस्तों आप फ्रंट एलिवेशन आपका ऐसा रहने वाला, ऊपर का देख सकते हो, बहुत ही शानदार मकान, जो कि 3 BHK कमल विहार के अंदर में आने वाला है। और इसका मैं बात करूँ फ्रंट, लगभग आपको मिले आएगा इसमें का फ्रंट और डेप्थ, टोटल साइजेस ज़मीन का 780 फीट का ज़मीन साइजेस रहेगा इसमें। टोटल जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है 1550 से 1540 फीट का टोटल कंस्ट्रक्शन होने वाला है। फ्रंट और कलर वाइज आप देख सकते हो, इस प्रकार आपका यहाँ पर कलर वगैरह भी चल रहा है। और अंदर का ये मैं दिखा देता हूँ, जैसे इंटर करोगे कार पार्किंग के लिए आपका राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड बहुत ही शानदार आपको सामने में एंट्रेंस में देखने को मिल जाता है, जो कि कार वगैरह के लिए आप अंदर में नहीं रख सकते, तो बाहर में फुल स्पेस जगह आपको हम लोग यहाँ पर मकान में दे रहे हैं। जैसे इंटर करोगे लोहे का गेट मिल जाता है, छोटा सा भी पेंटिंग वगैरह चल रहा है। और ये आपका आता है कार पार्किंग, जो कि खुद का पर्सनल बोरवेल, जिसमें लगे हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, खुद का पर्सनल बोरवेल रहेगा, ठीक है। फॉल सीलिंग लाइटिंग हम लोग प्लान दे रहे हैं यहाँ पर। और आइए एक बार इसमें आप 4 से 5 बाइक आ जाएगा, छोटा सा मार्शल वगैरह की कार वगैरह जगह यहाँ पर आप रख सकते हो। आइए एक बार मैं अंदर में चलता हूँ हॉल में। 3 BHK हाउस है तो काफ़ी यहाँ पर आ जाते हैं हॉल, जैसे अंदर आओ घुसने का कार पार्किंग के बाद आपके हॉल आ जाता है। हॉल का साइजेस इसमें हॉल में लगभग साइजेस बता देता हूँ, 25 फीट लगभग आपका लंबाई रहेगा, चौड़ाई की बात करूँ लगभग 10-11 फीट का आपका चौड़ाई रहने वाला है। बहुत ही ऊपर फॉल सीलिंग लाइटिंग देख सकते हो, कलर वाइज अभी चल रहा है दोस्तों, इसमें कलर अभी हम लोग किए नहीं है, और बाहर का भी पेंटिंग वगैरह चल रहा है, धीरे धीरे अंदर का भी पेंटिंग होगा। ये आपका हॉल आ जाता है। जस्ट हॉल के सामने मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम का साइजेस बता देता हूँ, 13 बाई 12-11 का आपका साइजेस रहेगा बेडरूम का। फॉल सीलिंग आपको व्हाइट देखने को मिलेगा अभी, जो कि पेंटिंग नहीं हुआ है। और लाइटिंग वगैरह जस्ट यहाँ पर आओगे वेंटिलेशन खिड़की के लिए हम लोग इस पर आते हैं, जो कि जस्ट उस पर वॉशिंग एरिया आ जाता है आपका। ये फर्स्ट बेडरूम का साइजेस हो जाता है, जो कि 13 बाई लगभग 11-12 का आपका साइजेस हो जाता है। आइए दोस्तों ये हॉल आ जाता है। हॉल में देख रहे हो सामने एंट्रेंस के हम लोग सीढ़ियों में दे रहे हैं रेलिंग लगा करके, जो कि ऊपर तक रेलिंग हम लोग लगा कर दे रहे हैं। सीढ़ियों का चौड़ाई लगभग 3 फीट आपका आज मिल जाता है। आइए मैं किचन में लेकर चलता हूँ। किचन जो कि है हम लोग दे रहे हैं एल शेप में, किचन दे रहे हैं जो कि टाइल्स लगा कर दे रहे हैं ऊपर, छोटा सा पूरा टाइल्स है आपको लगभग 2 से 2.5 फीट तक का टाइल्स लगा कर दे रहे हैं। ये आपका किचन वगैरह जो कि एल शेप में। जस्ट इस पर आओगे आपको वॉशिंग एरिया, जो कि सामान वगैरह हम लोग अभी चल रहा है तो ये इधर कुछ सामान रखे हैं, ये आपका वॉशिंग एरिया हो जाता है। चलिए एक बार मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, सामने में एंट्रेंस में नीचे में भी। और आई तरफ में ये आपका जाता है लेथ बाथ, जो कि बहुत ही स्पेस बड़ा हम लोग दे रहे हैं। लेथ बाथ का साइजेस लगभग 6 बाई 7-8 का लगभग साइजेस हो जाता है। ये आपका लेथ बाथ हो जाता है, बहुत ही बड़ा बहुत ही शानदार। और चलिए एक बार मैं सीढ़ियों से चलकर डुप्लेक्स का जो मकान है ऊपर का आपको 2 बेडरूम और दिखा देता हूँ। ये आपका सीढ़िया और रेलिंग हम लोग ऊपर तक लगा कर दे रहे हैं, जो कि देख सकते हैं इसमें का स्टील का। और आइए ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट आओगे छोटा सा हॉल में आपको देखने को मिल जाता है, 7 का लगभग चौड़ाई रहेगा और ये लगभग आपका 9 का लगभग आपका लंबाई रहेगा। ये हॉल है ऊपर का, फॉल सीलिंग लाइटिंग देख सकते हो, हॉल का डुप्लेक्स वाला का ये वाला। आइए अब मैं लेकर चलता हूँ सेकंड बेडरूम में।
ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम का साइजेस मैं बता दूँ, लगभग ये 15-17 का साइजेस रहेगा सेकंड बेडरूम जो है। डेप्थ और इसका जो चौड़ाई रहने वाला है दोस्तों, लगभग 12-13 का साइजेस आपको ये रहेगा। ऊपर का फॉल सीलिंग लाइटिंग देख सकते हो, कलर अभी हुआ नहीं है। और आइए इस तरफ दिखा देता हूँ आपका, जो रहेगा ऊपर का लेट बात रहेगा नहाने वगैरह के लिए बहुत ही शानदार। और ये ऊपर का साइजेस रह जाएगा, ऊपर का प्लान हम लोग दे रहे हैं, लाइटिंग अभी लगा नहीं है, लगा कर देंगे आपको। आइए इस तरफ, और इस तरफ मैं दिखा देता हूँ छोटा सा डाइनिंग रूम एरिया जो कि बच्चों के लिए बहुत ही शानदार बनाया है इसमें का। ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है लगभग 8x7 का, लगभग ये आप 7x7 का आपका ऊपर का फॉल सीलिंग देख सकते हो लाइटिंग। और चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ इस तरफ में, यह आपका सेकंड बेडरूम छोटा सा डाइनिंग रूम हो जाता है जो कि बच्चों के लिए किड्स के लिए। आइए हम तीसरा का जो बड़ा बेडरूम इसमें का साइजेस में बता देता हूँ इसका भी। ये आ जाता है आपका तीसरा बेडरूम जो कि सामने एंट्रेंस में हो जाता है, और इसका मैं साइजेस एक बार मेंशन कर देता हूँ। इसका साइजेस लगभग रहेगा 11x आपका 16-17 का साइजेस रहेगा इस बेडरूम सेकंड में। ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हो बहुत ही शानदार, अभी इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कलर वाइज हुआ नहीं है, लाइटिंग वगैरह सब लगा कर दे रहे हैं। ये आपका थर्ड बेडरूम हो जाता है, और इस तरफ आओगे तो ये आपका हो जाता है अटैच नहाने के लिए और लेट बाथ के लिए दोनों के लिए आपको मेंशन हम लोग कर देते हैं इसमें का। टाइल्स लगा कर दे रहे हैं लगभग 7 फीट तक का, 7.5 फीट तक का टाइल्स लगा कर दे रहे हैं, और नल फिटिंग वगैरह भी होगा इसमें। आइए एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ इसका जमीन साइजेस एरिया रेट क्या है कैसा है और नियर बाय आपको क्या क्या अभी मिलने वाला है इसमें। तो दोस्तों इसमें ये है कमल विहार के मेन एग्जैक्ट लोकेशन में आते हैं जो कि सेक्टर 1 में, नियर बाय आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल 3 से 4 किलोमीटर में, सब्जी मंडी मार्केट डुमरतरी हो गया, ये आपको 3 से 4 किलोमीटर में आपको पूरा कनेक्टिविटी मिल जाता है। ये आपके बीच मेन लोकेशन कमल विहार के अंदर आता है। जमीन साइजेस आपको 780 स्क्वायर फीट का जमीन साइजेस रहेगा। टोटल जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको मिल जाता है 1540 स्क्वायर फीट, इसका टोटल कंस्ट्रक्शन आ जाता है। रेट जो है इस घर वाले मालिक रखे हैं 48 लाख रुपये एग्जैक्ट इसका रेट रखे हैं। आप इस घर को पसंद करते हो तो उसके बैठक में कम वगैरह करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड ये है आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे नया नया प्लॉट फ्लैट हाउस के वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूँ। दोस्तों अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। With you.